काफी लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपनी जो बराबर जो है वर्क कर रही है, कल से लगी हुई है, शासन प्रशासन भी बिल्कुल कल से जो है हमारे साथ खड़ा है। वर्तमान में जहां पर जो है हमारा कार्य रेक्सो चल रहा है बाहर से, वो है 205 मीटर पे और वो लोग जो है 270 मीटर पर है अंदर। वो अंदर आदमी सब सुरक्षित है, अंदर करीब करीब 40 से 45 आदमी फंसने का सर है। हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू, ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है। यहाँ पर कार्य बड़ी स्पीड से हो रहा है सर, काफी लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपनी जो बराबर जो है वर्क कर रही है, कल से लगी हुई है, शासन प्रशासन भी बिल्कुल कल से जो है हमारे साथ खड़ा है और पूरे कंपनी का स्टाफ बिल्कुल जी जान से यहाँ पर हैं। और अभी मैं अंदर गया था तो मैं जो है वहाँ पर जब देखा तो वहाँ से हम लोग वो लोग बात कर रहे थे सेफ्टी वाले, तो वो लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाजें हम तक पहुंची, वो कह रहे हैं कि आप जो खाद्य सामग्री आप भेज रहे थे उसे न भेजें, अब हवा भेजें, यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि हम लोगों को जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी साइड से टूट रहा है। तो वर्तमान में जहां पर जो है हमारा कार्य रेक्सो चल रहा है बाहर से, वो है 205 मीटर पे और वो लोग जो है 270 मीटर पर है अंदर। वो कह रहे हैं कि हम 270 पर अंदर है और ये लगाओ कि 50-60 मीटर अभी भी बाकी है खोने के लिए। अब देखते हैं इसमें कितना समय लगता है, भगवान चाहे वो सारे लोग सुरक्षित हों, यही हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। आप एक खुशी की बात जाहिर कर रहे थे जो उनसे बातचीत हो पा रही है, जी ये सबसे बड़ी एक आज एक सबसे बड़ा कदम है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? जिस तरीके से अंदर से उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमें अब हवा की जरूरत है। जी हाँ सर, ये है कि सबसे पहले कल तक तो हम बिल्कुल मायूस हो गए थे क्योंकि कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था, सारे लोग घबराए हुए थे, लेकिन जब जो है रात ठीक 11 बजे उन लोगों से जो है संपर्क हो पाया है तो वो लोग बराबर जब हम यहाँ से आवाज दे रहे हैं तो वो बिल्कुल, हमने यहाँ से लिखे भी भेजा था कि आप कितने लोग हैं और सुरक्षित हैं कि कौन सी स्थिति में है, तो उन्होंने उसको रिटर्न किया। अभी आवाज हमने दी, हमने कहा हमने यहाँ से कुछ भेजा था लिखे, क्या आप तक पहुंचा? उन्होंने कहा बिल्कुल, आपने कागज भेजा था वो हमने हमारे नेगी सर जी ने पढ़ा है और हम लोगों को धैर्य बना रहे हैं कि थोड़े 2-3 घंटे में ये खुलने वाला है, आप लोग धैर्य बना के रखिए और खाने के जो आप भेज रहे थे वो हम तक पहुंच रहा है और हम लोग उसे भी खा लिया है। पर बरसात ये है कि हवा का विशेष ध्यान रखा जाए, अगर आप लोग हमें यहाँ पर सुरक्षित चाहते हैं तो हवा सबसे पहले हवा भेजी जाए। अंदर की सर अभी सर मकिंग चल रहा है, एक्सवेटर और लोडर से मकिंग चल रहा है, हाईवा से निकालते जा रहा है और बाकी सर निकाल रहा है और वो माल गिर रहा है। अभी पता नहीं लगाया जा सकता है कि कितना वो माल गिरा है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि 30-35 मीटर के लमसम वो टनल गिरने का अंदाजा है सर। और ये प्रोसेस सुबह करीब 5:30 बजे के लमसम ये घटना हुआ है सर। कितने आदमी फंसे हुए हैं अंदर? करीब करीब 40 से 45 आदमी फंसने का सर। सुरक्षित है? जी जी सारे सुरक्षित है। कहा कि 4 बजे के लमसम ये वाटर पंप से अंदर से पानी आया है सर, उन लोग पानी ये सामने जो आप देख रहे हैं वो अंदर से मोटर से पानी आता है तो उन लोग पानी करके इशारा दिया है सर, उससे साफ जाहिर होता है कि अंदर से आदमी सब सुरक्षित है सर। और युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है जी सर, अब मिट्टी भी निकालना शुरू कर दिया। जी 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 सर जी। ये जगह कौन सी है? ये सर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है और सिरकारा बैंड बरहमखल जगह है सर। देखिए अभी तक की प्रेजेंट स्थिति यह है कि हमारी कल उनसे संपर्क स्थापित हो गया था, जो अंदर मजदूर फंसे हैं यहाँ पर एक पाइपलाइन है उसके थ्रू हमने वॉकी टॉकी से इनको संपर्क करने की कोशिश की तो हमें यह पता चला कि जो मलबा जो पैच है मलबे का वो लगभग 60 मीटर का है, उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग
अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सक्यूट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर आगे जाना बाकी। कब तक लग रहा सर ये चीजें हट जाएंगी मलबा जो है और उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा? देखिए वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है, हमने उनको ड्राई राशन के पैकेट भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू, ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। ये कितना समय लगेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है थोड़ा। देखिए जो मलबा जैसे हम हटा रहे हैं तो ऊपर जो मलबा फंसा हुआ है वो नीचे गिर रहा है जिस कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं साइड वे बना के ऊपर सॉलिडिफाई कर रहे हैं उसको, ताकि हमें थोड़ा पैच मिल जाए जिससे हम आगे जा रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी उनको निकाल लेंगे। देखिए जो हमारा संपर्क स्थापित हो उसमें 40 लोग हैं और सब सकुशल है। सभी लोग सुरक्षित? जी जी सब सुरक्षित है।